हेलो गाइस, स्वागत हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ नेरुल सिटी। मेरे पीछे देख सकते हो, यही नेरुल है। ये नेरुल पड़ता है नेरुल मुंबई में, और हर्बल लाइन का रास्ता जाता है पनवेल तक। इसके आगे वासी पड़ता है, बहुत सारे स्टेशन है। तो नेरुल बहुत प्रीमियम माना गया है, इसे वासी प्रीमियम है सिटी, वैसे नेरुल भी सिटी है। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सबसे जरूर करो यार। बस नज़ारे देख रहे हो मेरे आगे पीछे। चलो आपको और सारे नज़ारे दिखाते हैं नेरुल का, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिखाते हैं। तो वीडियो साथ बने रहिएगा। ये देखो नेरुल, क्या मस्त रास्ता बनाया यार, नवी मुंबई। तो चलते हैं तो आपको और दिखाएंगे। ये देखो जो पेड़ जो रास्ते के बीचों बीच जो ऐसा मतलब दिख रहा है यार, कमाल का दिख रहा है, प्रीमियम फील दे रहा पूरा। भाई बाइक कितने खड़ी है, वहाँ नेरुल कमाल की सिटी यार। और नीट एंड क्लीन है, और बिल्कुल मतलब इतना क्राउड नहीं है नेरुल, मेरे पीछे देख सकते हो। और यार मतलब रोड जो है, यहाँ के रोड है परफेक्टली है, एंड इन्वायरमेंट जो देख ही रहे हो एकदम मस्त मौसम है। मतलब लगातार दो दिन से, मतलब एक चार दिन से बारिश मुंबई में नहीं हो रही थी, आज जाके बारिश हो रही है। और तो वापस देखो धूप निकल चुका है, तो कमाल का मौसम है यार। और गर्मी थोड़ा लग रही है मुंबई में यार। तो सामने जस्ट हमारे सामने नेरुल स्टेशन है, चलो उधर का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो वेस्ट में भी चलेंगे, अभी तो मैं ईस्ट में हूँ, वेस्ट में चलेंगे, उधर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं आपको नेरुल का। सामने नेरुल स्टेशन है, तो भी आगे चल रहे हैं। यहाँ का बस स्टैंड भी देखो यार, कोई पब्लिक ही इतना नहीं है इधर पे। और यहाँ पर क्या है, एक लग्जरी बस भी चलती है जो सिर्फ सेंट्रल लाइन तक ही चलती है, जैसे वासी से डोंबिवली हो गया, थाने हो गए, वहीं तक चलता है। फुल एसी बस रहेगा, लग्जरी सीट्स भी रहेंगे, उसका मतलब भाड़ा बहुत महंगा है, जल्दी कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये देखो मौसम आज का। और जय इसके सामने मतलब चिड़िया, मतलब यहाँ पे मतलब एनिमल्स वो है, क्या बोलते हैं अपना, एनिमल्स चिड़िया बहुत सारे अंदर हैं, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। मालूम किस कारण के लिए बंद किया गया, नहीं तो एकदम अंदर देखो एकदम टापू ऐसा पूरा बना गया है। मैं तो आपको दिखाता, मैंने पूछा भाई अंदर जाने का अलाउ है कि नहीं, बोलते कि नहीं है, बंद हो चुका है जब से कोरोना वायरस का आया है। तो ये देखो इसके अंदर जाने का सा रास्ता था, बंद कर दिए। देखो नेरुल, ओके, टिकट काउंटर उधर है, जस्ट सामने ही लोकल खड़ी है, किधर जाने वाली है मालूम नहीं। तो हमें वेस्ट में जाना है, तो हमें फ्लाईओवर पकड़ना पड़ेगा। चलते हैं फ्लाईओवर पकड़ के यार, क्या दिक्कत आ रही है। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं फ्लाईओवर पे, वासी साइड जाओ ने अंदर फ्लाईओवर बनाया है, मतलब अंदर से रास्ता है, और नेरुल ने ऊपर से। ये देखो हमारे सामने स्टेशन है नेरुल। अब चलते हैं वेस्ट में, तो कुछ उधर के नज़ारे देखते हैं क्या है, क्या खास है। मैं वेस्ट में आ चुका हूँ नेरुल के, देख सकते हो यही नज़ारे हैं। यहाँ आपको लग्जरी वाले रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आराम से, एक से एक रेस्टोरेंट से। वेस्ट में है यार, ऐसा लग रहा है वेस्ट में क्राउड है, इतना ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। UPSC, MPSC, ये देखो उस सर धूप निकला था, इस सर धूप ही नहीं है यार। ये नेरुल स्टेशन, नेरुल का सबसे फेमस स्वीट्स स्नैक्स, समोसा सैंडविच हर चीज़ मिलता है, जूस से लेकर हर चीज़। चलो आपको आगे दिखाते हैं, नेरुल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिखाते हैं आपको, जो मतलब थोड़ा प्रीमियम भी है और बेस्ट हॉस्पिटल माना गया है नेरुल का। देखो यही है, टीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है ये, देख रहे हो ना, यहाँ रिसर्च सेंटर भी होता है, मतलब हॉस्पिटल भी है। चलते हैं अभी हम लोग आगे। ये हम लोग नेरुल वेस्ट में है अभी, ईस्ट का मैंने आपको नज़ारा दिखाया कैसा था।
तो मैंने आपको नज़ारा दिखाया नेरुल का, और इतना मतलब खास नहीं नेरुल, मतलब हाँ एक चीज़ है यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, यहाँ के रोड है जो एकदम सही है, बिल्कुल भी इतना क्राउड नहीं है नेरुल में। अच्छा लगा, मतलब सिटी अच्छी है नेरुल। ऊपर से भाई भी ये सब सिटी नई बनी हुई है, जो हमारी जूनी वाली मुंबई है वो तो आप जानते हो कितना क्राउड रहता है वहाँ पे। वहाँ तो भाई लोकल में तो पैर भी नहीं खड़ा कर सकते लोकल में, इतना भीड़ रहता है। देख ही लो आप लोग, ठीक ठाक पूरा गाँव इलाका है, मौसम नॉर्मल है। ये नेरुल का स्पोर्ट्स सेंटर है, कितना बड़ा है स्पोर्ट्स सेंटर। देखिए कितना बड़ा है स्पोर्ट्स सेंटर नेहरू का, नेहरू का इंजीनियरिंग कॉलेज जो देख रहे हो। पूरा अंदर कौन जाएगा, बाहर से ले लेते, और कुछ नहीं, अंदर का पूरा घूमना पड़ेगा तब इधर आना पड़ेगा। इसके में सीधा रोड से आया तो शॉर्टकट आ गया, देख रहे हो ना। अब इधर का व्यू देखो यार, कितना कमाल का लाइटिंग देखो यहाँ पे यार, रात के टाइम हो तो और मज़ा आएगा। यहाँ की जो लाइटिंग है, लुकिंग जो दिया गया है, कमाल का दिया गया है। देख रहे हो ना, कोई मंदिर बन रहा है, अभी तक अभी बना नहीं है, अभी बन ही रहा है। क्या डिजाइनिंग, क्या एक स्ट्रक्चर है यार बनाया गया, कमाल का दिख रहा है एकदम। देख ही रहे हो आप लोग, वाह ब्यूटीफुल। देखने को मिला चार्जिंग कार, जैसे पेट्रोल पंप नहीं होता वैसे आप यहाँ पे आके चार्ज कर सकते हो। पेट्रोल पंप यहाँ पेट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ चार्ज, तो आपकी गाड़ी बैटरी से चलती है तो आप यहाँ से आके अपनी कार को चार्ज कर सकते हो। इसे नेहरू में देखने को मिला मेरे को। देखो यार कुछ तो है इधर साइड यार, अब मालूम नहीं। देख ही रहो यार भाई, गाड़ी भगाने के लिए इधर मज़ा आएगा, गाड़ी रेसिंग करो तो इस पर बोल रहा हूँ। अंदर बहुत अच्छा गार्डन है, मस्त लुकिंग वाला, तो अभी बंद है तो शाम को 5 बजे खुलेगा, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसका हम ब्लॉगिंग जरूर लेके आएंगे। अंदर गार्डन का कमाल का एकदम प्रीमियम गार्डन है यार ये नेरुल का, तो अभी हमें जाना कहीं बाहर इसके लिए, तो कभी आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो शाम को आएंगे तो फिर बनाएंगे किस टाइम बंद है इसके लिए। देख सकते हो यार कमाल का, यहाँ पे आप साइकिल राइड भी कर सकते हो। अब मालूम कुछ का कोई ऐप होगा साइकिल का, जो बार कोड से सीधा पेमेंट करो साइकिल चलाओ, रख दो, मालूम क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। नए नए फीचर और नए नई मुंबई में कुछ अलग ही चीज़ें हैं। देखो इसके अंदर जाने को नहीं मिलेगा, खुले गार्ड से है ना इसके लिए, इधर से जा सकते हैं मगर यार कुछ गलत काम ना करो इसके लिए, जो भी करो सेफ्टी से करो, और जहाँ परमिशन है वहीं करो, फालतूगिरी नहीं तो हर कोई अंदर चला नहीं जाता। इधर देखो पूरा खुला ही तो है। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक से जरूर करो यार। और नेरुल में टोटल पॉपुलेशन है 60,000, बस 60,000 यार, तो देख सकते हो मेरे सामने भी इतना अच्छा ग्राउंड है, शायद यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं तो ना, मतलब पब्लिक बहुत कम है यहाँ पे। 60,000 पॉपुलेशन यार बहुत कम होता है यार, 1,00,000 होता तो भाई सोचते कोई, देख सकते हो। नीट एंड क्लीन है यार, एक चीज़ देखो यार, नीट एंड क्लीन है, हर जगह डस्टबिन है, आप रोड पर कचरा नहीं फेंक सकते हो। और यार यहाँ पे फेमस चीज़ तो आपको दिखाई दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और कुछ फेमस स्वीट्स हाउस है, होटल्स हैं, तो आप देख ही रहे हो। तो यहाँ के रोड, जो यहाँ के ट्रीज देख रहे हो आप लोग, कमाल के है। और मुंबई में यार 4 दिन से लगातार बारिश नहीं हो रही थी, अब जाके बारिश हो रही है, तो देख ही रहे हो मेरे सामने, जब बारिश हो रही तब गर्मी बढ़ रहा है यार, क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं चल रहा है। तो बस आज के लिए ब्लॉग इतना ही, तो बस सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।